नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक शिक्षा मंत्री जी के इंटरव्यू के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से नए बेसिक शिक्षा मंत्री बने हैं उसके बाद से सभी अलग अलग छात्रों के माध्यम से सभी अलग अलग संगठनों की तरफ से उनसे मुलाकात की जा रही है। कोई नई शिक्षक भर्ती के लिए पहुँच जाता है तो कोई यहाँ पर 6800 के लिए, इसके अलावा कोई अपनी अलग अलग मुद्दों की संबंधित भर्तियों को लेकर बेसिक विभाग के अंदर बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ हैं, चाहे वो 68000 हो या फिर 69000 या फिर अगर बात की जाए आगामी समय के अंदर आने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इन तमाम मुद्दों को लेकर उनसे मुलाकातें जा रही हैं। इसी बीच अगर बात की जाए नए बेसिक शिक्षा मंत्री जी का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखने के लिए मिला है, जिसके अंदर उन्होंने बेरोजगारी को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर लिए जाने वाले कुछ बड़े फैसलों के बारे में और इसके अलावा उन्होंने कुछ बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं जो कि आप सभी को जानना बेहद आवश्यक है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारी सबसे पहले मिलती है। लगातार 51000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार के सामने ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। अब इसको लेकर तो फैसला सरकार करेगी, लेकिन उससे पहले मंत्री जी का क्या कहना है वो आप सभी इन मुद्दों को लेकर सुने। शिक्षा का जो पुराना अभी पुराना ढांचा जो बना हुआ है बिल्कुल ही ध्वस्त है, इसको नई तरीके से बनाने की ज़रूरत है और बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है और बेसिक शिक्षा के लेवल को सुधारने की सब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस पर हमारी सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है कि बेसिक शिक्षा के स्तर को सुधारा जाए, टीचर नियम पर पहुँचे बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिससे कि बच्चों की अटेंडेंस बढ़े। बच्चे अभी स्कूल नहीं जाते हैं, उनका कोर्स छूट जाता है, इस तरह की शिकायतें हैं, तो इस चीज़ के ऊपर बेसिक ध्यान रहेगा। टीचर्स की अटेंडेंस के लिए सभी स्कूलों में बायोमेट्रिक्स और कैमरे की व्यवस्था करी जाएगी, जिससे कि टीचर्स की जो अटेंडेंस है उसको मॉनिटर किया जा सके। कल्याण सिंह जी ने प्रदेश में नकल को रोकने के लिए बहुत बड़े कड़े कड़े फैसले लिए थे, अब आप शिक्षा राज्य मंत्री हैं, नकल को कैसे रोकेंगे? नकल को प्रदेश में नकल ठेके पर हो रही है, इसको कैसे सुधारेंगे? नकल को लेकर के पिछली सरकारों में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। आप देख सकते हैं कि पिछली जो भाजपा की सरकार थी उसमें शिक्षा का स्तर कितना काफ़ी अच्छा था और नकल बिल्कुल भी नहीं होती थी, और इस बार भी हमको काम करने का क्योंकि कम समय मिला है, परीक्षा पहले से ही तय थी और हमारी सरकार अभी बने हुए एक ही महीना हुआ है, इस बार भी लेकिन हमने काफ़ी प्रयास किया है नकल बहुत हद तक हम रोक पाए, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि अगली बार आप नकल मुक्त शिक्षा पाएंगे। शिक्षा विभाग का जो प्रेजेंटेशन हुआ आप उसमें रहे होंगे, आपने क्या देखा उसमें कि कहाँ पे चूड़ी टाइट करने की ज़रूरत है, कहाँ पे लूप होल्स हैं? ये बेसिक लेवल पर ही मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारी जगहों पे इस तरह के स्कूल हैं जहाँ पे बच्चे काफ़ी कम हैं, टीचर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जैसे कि काफ़ी शहर के पास के जो स्कूल होते हैं वो उस पर इस तरीके का होता है, तो इस तरीके की सारी चीज़ें हैं, गांव-गांव के स्कूल तक टीचर पर्याप्त पहुँचे और बच्चे भी आएँ वहाँ पर, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिलें, किताबें समय पर मिलें, ड्रेस मिलें। तो सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है वो बेरोजगारी खत्म करने की ज़रूरत है, बेरोजगार सबसे ज़्यादा युवा है, आप एक युवा मंत्री हैं, उस पर आप क्या चाहते हैं कि क्या चीज़ होनी चाहिए, कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, रोज़गार बनाने के लिए हमारी सरकार ध्यान दे रही है, इसमें युवाओं की मदद करें और जो पूरा सिस्टम है उसको सुधारा जाए। बहुत सारी जगहों पर ऐसा है लोगों के पास रोज़गार भी है लेकिन लोग काम करने नहीं जाते हैं, तो ये जो सिस्टम है इसको सुधारने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, जिन लोगों को जो जो काम मिला है उस पर वो ध्यान दें और अपने काम को अच्छे से निभाएं, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, और नए उद्योग भी बनाए जाएंगे नई तरीके जिससे हम रोज़गार और बना सकें और हमारे युवाओं को काम मिल सके। तो यहाँ पे आप सभी ने बेसिक शिक्षा मंत्री जी को सुना, हालांकि अभी उनके माध्यम से भर्तियों को लेकर कुछ खास जानकारियाँ नहीं दी जा रही हैं, उसकी वजह ये भी है क्योंकि आप जानते हैं कि अभी उनको बेसिक शिक्षा विभाग सौंपा गया है, आगामी समय के अंदर इस मुद्दे को लेकर जब सारी चीज़ें उनके संज्ञान में आ जाएंगी, सारा मुद्दा समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद उनकी तरफ से बयान आने शुरू होंगे।